खानदान पतत पावन सर्वशक्तिमान साहब कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी का बख्शा हुआ नारा सारिया सिख संगत फतेह बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। झुकन लई नहीं अखियां सिख दियां ये तो बनिया ने शहीदी खमारियां लई दोहा गल्लां लई सिख दा सीस बनिया जां आरियां लई जां सरदारियां लई आउणा जग ते उहनां दा सफल हुंदा देश कौम दे कम जो आ जांदे मरदे नहीं मर के अमर रहिंदे मर के जौन दा ढंग सिखा जांदे किसे तेज तूफान तो नहीं बुझदी जेड़ी जोत शहीद जगा जांदे असी दसना है उहदा की हाल हुंदा जेड़ा दगा कमांदा है सिंघां सरदारां दे नाल वड्डा मूर्ख है कखां दी छन थले बह के खेड़दा है जेड़ा अंग्याना दे नाल करनी उस कमखत दे नाल ओह हुंदी आई जो मुढ़ो गदारां दे नाल हारा नाल स्वागत नहीं हुण करना हुण तां होऊगा बंबा तलवारां दे नाल। गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज दे खालसा पंथ ने कदे किसे दी ईद नहीं मन्नी किसे जरवाणे दे अगे झुकिया नहीं गुरु दा अमृतधारी खालसा जो कुछ करता है वह करके विखांदा है उस समय दी लैणा हुण तुहाडी था हे क्यों पेश करता है।
ਕਿੰਨੇ ਭਰਮ ਹੈ ਸਾਡਿਆਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਦੋ ਜਾਂ ਚਾਰ ਲੋਕੋ ਮਾਰਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਤਾਰ ਲੋਕੋ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀਆਂ ਮੋੜਨੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਡੈਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨੀਮਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਭੰਨਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਪ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਔਂਕੜ ਕੇ ਕਦੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁੱਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਵਿਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਹੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਚਾਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬੈਰੀ ਭੈੜੀ ਧਾਰਨਾ ਧਾਰ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਾਥੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਣਾ ਮੂਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਬੀੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਸਦੇ ਸੁੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਤਲਵਾਰ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜਾ ਜਾਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀਓ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚਕੰਨਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ
प्यारो अपना दुनी चंद किसी हाथी तो घट नहीं, सानू यकीन है साडा हाथी जंग दे मैदान विच जेतू होवेगा। गुरु जी ने सिंघां सूरमियां नूं जो कुछ हौसले भरे शब्द कहे उस वे दीआं लहिणां नूं अजीत सिंह सिद्धू, सरंगी मास्टर दर्शन सिंह पूला, गुरमीत सिंह शेरपुरी, अमरपुरा बस्ती, बठिंडे वाले तेजा सिंह तूफान दा ढाडी जथा हे क्यों कहन लग्या है। मैं नहीं सारा ही जग कहिंदा सेहत किसे इंसान दी गवाच दीए घाटा कुछ ना कुछ जरूर पैंदा, सारे जग दी नजर तो गवाच जांदा जदों कोई इखलाक गवा बैंदा, चाल चलन जे किसे दा गवाच जावे पल्ले नहीं तूफान जी कख रहिंदा। दुनी चंद ने अपने साथियां वल इशारा तकिया तां उसनूं उस वेले उसदी मौत मूंह वड्डी खड़ी प्रतीत होण लगी। सोचन लगा ओ मना गुरु जी ने अज किहो जियां भोलियां गल्लां कीतियां हन, भला बंदा हाथी दा मुकाबला किस तरह कर सकदा है, ये तां जानबुझ के मौत दी घोड़ी चढ़ा रहे हन, मैं भंग दे भाणे अपनी जान क्यों गवावां, चलो आपां इत्थों फरार हो जांदे हां। दुनी चंद ने अपने कुछ साथियों नूं भज्जण लई हे इउं कहा। Oh,
जाग जानू लल केसरी सवेरे चाड़ूगा तूफान रात रात निकलो बचाग जानू रात रात निकलो बचाग जानू अपनी जान बचाने लई आनंदगढ़ दे किले दी दीवार ते चढ़िया सोचिया कि इस तरह भज के जान बचाई जा सकती है। मूसा भज्या मौत तो अगे मौत खड़ी वाली गल हुई। जो ही किले दी दीवार तो मोटा रस्से दी ओट लेके उतर लग्या तो दुनी चंद नूं मौत ने किसे पासे ही भज के जान ना दित्ता। अपने उतरन लई लमकाया गया मोटा रस्सा टुट गया क्योंकि दुनी चंद दा वजन ही इतना ज्यादा सी जो रस्सा सहार ना सकया। दुनी चंद बड़ी बुरी तरह धड़म करता होया धरती ते जा डिगा। डिगदे सार ही उसकी लत टुट गई। इत्थे ही बस नहीं उसनू सप्प ने डंग दिता। कुछ ही पलां विच उसकी मौत हो गई। गुरु नू धोखा देण दा उसने फल भुगत लिया। उधर गुरु जी ते सिंह दुनी चंद दी भाल हे क्यों करन लगे।
नहीं चंद गायब हो गया था कलगीधर पातशाह। मुस्कुरा के कहन लगे, सिंगो फिक्र करन दी कोई लोड़ नहीं, जे अपना पेट पालू हाथी दुनी चंद भज गया है ता की गल है, साडे पास एक छोटा हाथी होर भी है जो दुश्मन दे हाथी नू मार के रणा विच जित प्राप्त करेगा। गुरु साहब जी भाई विचित्र सिंह नू हाथी नाल लड़न लई जो कुछ कह रहे हैं उस समय दीआं लैणा, अजीत सिंह सिद्धू, सरंगी मास्टर दर्शन सिंह पूला, गुरमीत सिंह शेरपुरी, अमरपुरा बस्ती, बठिंडे वाले तेजा सिंह तूफान दा ढाडी था हे क्यों पेश कर लग्या है। Hold up!
ਫੌਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਖੇੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਰਮਿਆਨੇ ਜਿਹੇ ਕੱਦ ਦਾ ਜਵਾਨ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਅਤਿ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਇੱਕੋ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸੂਰਵੀਰ ਲੜਾਕਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਧੰਨ ਮੇਰੇ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜਭਾਗਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਢਾਡੀ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਹੇ ਇਉਂ ਸੁਣੋ। Thank you.
नवाब बेस 20,000 फौज लेके पहुंचा, जिस दे नाल पृथ्वी राव पहाड़ी राजा केसरी चंद किले की दीवार तोड़ ली अगे बढ़े। भाई विचित्र सिंह इं कह रहा सी, गुरु जी दया होवे तां कीड़ी पहाड़ नूं पुट सकती है, गुरु की मेहर की नज़र होवे तां चिड़ी खूनी बाज की गर्दन मरोड़ सकती है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का थापड़ा अपनी कंठ ते लवा के हथियारां नाल होके लैस बहादुर सूरमा विचित्र सिंह होया घोड़े ते सवार, हाथ विच फड़ी पेचदार बरछी नागनी, बू बू करदे आउंदे बाई तार दे पहाड़ी राज ने मस्त हाथी दे मत्थे विच हे इउं मारी। सारे